भाजपा ने रखा देश में सामूहिक उपवास, देश के 2000 सांसद विधायकों ने रखा उपवास संसद में, कांग्रेस के गतिरोध पर जताया आक्रोश। उन्नाव गैंगरेप में विधायक के खिलाफ हुई FIR, CBI को सौंपी जांच, वहीं जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। अड़सठ वर्षीय वृद्धा चढ़ी पानी की टंकी पर, पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, NEB क्षेत्र में है पानी की समस्या। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर किया कटाक्ष, RSS को बताया दलित विरोधी, वहीं उन्होंने कहा भाजपा को देश माफ नहीं करेगा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा द्वारा 12 अप्रैल को सामूहिक उपवास घोषित किए जाने के बाद राजस्थान में भी जिला स्तर पर भाजपा सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने उपवास में हिस्सा लिया। भाजपा का कहना है कि देश में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष ने सुनियोजित तरीके से संसद में गतिरोध उत्पन्न किया, जिससे न सिर्फ संसद का समय बर्बाद हुआ बल्कि जनहित में होने वाले निर्णयों को रोकने का कार्य किया। इसके विरोध में भाजपा ने एक दिन का सामूहिक उपवास रखने का निर्णय लिया है। So please go, today is the last day. We will have national. We will have Vande Mataram. You go to your seat, please. No, I will sign it at the house. You don't want to. You go to your seat. I'm going to. Please listen. Please, you don't want to run. It's okay. I'm sorry. Solvi, if you don't want to run, please go to your seat. You don't want to take no confidence. You don't want to take anything. Today is the last day. भाजपा के पूरे देश में 2000 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने सामूहिक उपवास रखा। भाजपा का कहना है कि विपक्ष द्वारा संसद सत्र में गतिरोध किए जाने के चलते उसके विरोध में यह उपवास किया गया है। उनका आरोप है कि इससे न सिर्फ संसद का समय बर्बाद हुआ बल्कि अनेकों आम जन से जुड़ी योजनाओं पर भी निर्णय नहीं हो पाया। इसके विरोध में देश भर में सामूहिक उपवास का निर्णय रखा गया है। इसी कड़ी में अलवर में शहीद स्मारक पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कालीचरण सराफ, हेम सिंह भड़ाना, विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बनवारीलाल सिंगल, रामहेत यादव, जयराम जाटव सहित जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, संगठन प्रभारी डॉक्टर अखिल शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, शहर अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला महामंत्री संजय नरूका, पंडित जले सिंह, आनंद बेनीवाल सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, विपक्ष ने जिस तरीके से संसद में गतिरोध पैदा किया और संसद नहीं चलने दी, हंगामा किया, करोड़ों रुपए देश की जनता के खर्च हुए और उसके बाद भी संसद नहीं चली और जो काम होना चाहिए था संसद में वो नहीं हुआ, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राष्ट्रीय स्तर पर हर संसदीय क्षेत्र में इसके खिलाफ उपवास किया जाए। और आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद और प्रदेश के सभी मंत्री विभिन्न स्थानों पर इसके खिलाफ उपवास पर बैठे हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा को बाधित किया कांग्रेस ने और जनता का पैसा का दुरुपयोग किया, चलने नहीं दिया, और जहां आम जन की जन समस्याओं उठाने का काम लोकसभा में होना चाहिए था बल्कि लोकसभा को चलने नहीं दिया, उसके विरोध में हमारी संपूर्ण पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर केंद्र तक सब आज 10 से लेकर 5 बजे तक सामूहिक उपवास पर ये संदेश जनता में देना चाहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी संवैधानिक सरकार में विघ्न डालने का काम कांग्रेस जो कर रही है उसके खिलाफ आज ये उपवास रखा जा रहा है। संसद के बजटकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के द्वारा भारत सरकार के जनता के धन के दुरुपयोग और संसदीय परंपराओं के उल्लंघन और मर्यादा और आचरण की जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, संसद को चलने नहीं दिया है, उसके विरोध में जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी सहित प्रदेश के हमारे सारे नेता, हमारे अलवर जिले के सब नेता आज अनशन पर
10 बजे से 5 बजे तक बैठे हुए हैं। उधर कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उन्होंने पार्लियामेंट चलाने के तरीके पर वाजपेयी सरकार की तारीफ की और उपवास पर पायलट बोले उन्होंने राहुल गांधी के उपवास के बाद इसको नकल किया है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अब रास्ता भटक चुके हैं। एक तरफ तो हिंसा को रोकने में नाकाम रहे, विपक्ष को आरोपी बनाते रहे, सारा दोष कांग्रेस पर डालते रहे। हम लोगों ने अहिंसा के लिए, सामाजिक एकता के लिए उपवास रखा। अब देखा देखी भाजपा के नेता भी उस काम को कर रहे हैं और बहाना ले रहे हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके पूर्व एलआई लेकर आए, टीडीपी लेकर आई, उनको मनाने में नाकामयाब रहे। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती, पार्लियामेंट चला नहीं पाए। एक ज़माना था जब भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सहजता से पार्लियामेंट को चलाते थे, एनडीए को चलाते थे, देश को चलाते थे। आज टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, लॉक जैम हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है और अब एक तरह का पाखंड किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने उपवास रखा तो भाजपा को उपवास रखने की याद आ गई है, लेकिन ये देखा देखी कि जो डुप्लीकेट राजनीति है इसका बहुत लंबा अस्तित्व नहीं रहेगा और बहुत जल्द ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में लेकिन देश में भी कांग्रेस की सरकार बन। यूपी के उन्नाव जिले में युवती से गैंग रेप और पीड़िता के पिता की हत्या के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ आखिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चारों तरफ आलोचना से घिरने के बाद योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने देर रात मामला सीबीआई को सौंप दिया। संभवतः जल्द ही विधायक की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक बार फिर हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। यूपी में योगी सरकार के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे गैंग रेप के आरोप पिछले साल 2017 में लगे थे। इसमें विधायक के भाई और अन्य लोग भी शामिल थे। आरोप लगे हैं कि पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने विधायक को आरोपी नहीं बनाया और अन्य आरोपियों पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर पीड़िता को न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकना पड़ा। इस बीच दबंगई नेताओं ने पीड़िता के पिता द्वारा केस वापस नहीं लेने पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कराकर बंद करा दिया। जबकि सूत्र बताते हैं कि विधायक के भाई और उनके साथियों ने पीड़िता के पिता की निर्ममता से पिटाई की। आखिर पीड़िता अपने परिवार के साथ 8 अप्रैल को योगी दरबार तक भी पहुंची और सामूहिक आत्मदाह का प्रयास भी किया, तब भी योगी सरकार की आंखें नहीं खुली। दूसरे दिन 9 अप्रैल को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत से पूरे प्रदेश में योगी सरकार पर विधायक को बचाने के आरोप लगे और मीडिया में चारों तरफ भाजपा की किरकिरी होते देख पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। वहीं हाई कोर्ट के संज्ञान लेने और सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की याचिका मंजूर कर लेने के बाद आखिर दबाव में योगी सरकार ने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया है। इस पूरे प्रकरण में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। वहीं विधायक कुलदीप सेंगर देर रात लखनऊ पुलिस अधीक्षक के आवास पर काफिले के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि वे यहां यह बताने आए हैं कि मैं फरार नहीं हूं। रात 11:30 बजे काफिले के साथ एसपी के निवास पर उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करने आया हूँ और अपने चैनल के साथियों से कहने आया हूँ, जब मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लीजिए। क्या मैं नमस्ते। देखना है कि सीबीआई अब रेप और हत्या के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कब तक उन्हें गिरफ्तार करती है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आए दिन प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एनबी क्षेत्र में एक 68 वर्षीय वृद्धा पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले 10-12 दिनों से पानी की विकट समस्या है, लेकिन जलदाय विभाग कोई समाधान नहीं कर रहा। इस बात से खफा लोगों ने प्रदर्शन किया। गुरुवार सुबह पानी की समस्या को लेकर एनडीबी क्षेत्र में स्थानीय पार्षद सहित अनेक महिला और पुरुषों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां मौजूद एक 68 वर्षीय वृद्धा पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे हड़कंप मच गया और सूचना पर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता अतुल कक्कड़ मौके पर पहुंचे और समस्या के जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। इनकी कोई पुरानी हाउसिंग बोर्ड के टाइम की डली हुई पाइपलाइन है, इसमें कोई चौकेज प्रतीत हो रही है,
अभी 10-12 दिन पहले खड्डा इनकी शिकायत आई थी जब खुदवाया था उस दिन इनके पानी आ गया था, तो उस चीज़ को इसके बाद इन्होंने किसी ने कोई यहाँ लोकल कर्मचारियों से बात करते रहे, कर्मचारी अपने हिसाब से हैंडल करते रहे। मेरी जानकारी में, पार्षद की जानकारी में बात दोबारा नहीं आई। जैसे ही मुझे आज पार्षद जी ने सुबह बात करी, मैंने इनको बताया था कि आज इस काम को मैं करवा दूंगा। उसके बाद महिलाओं में रोष ज़्यादा था, ये कुछ टंकी पर चढ़ गए। अब टंकी पर चढ़ना गलत है, अपनी बात को मनवाने का तरीका गलत है। जब हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, जनप्रतिनिधि आपकी बात सुनने को तैयार है, तो टंकी पर चढ़ना कोई हल नहीं है। इसी का मेरे को इनसे कहना है, बाकी काम मैं आज इनका करवा रहा हूँ, ठीक है सर। वहाँ मौजूद पार्षद कपिल राज ने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या पिछले 10-12 दिनों से चल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है, पर जलदाय विभाग समाधान नहीं कर रहा था। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि एक बुजुर्ग महिला, 62 साल की बुजुर्ग महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। लेकिन देखिए, फिर भी हालातों में कोई सुधार नहीं। आज हमारे ईएन साहब आए, हमारी इससे पहले बात भी हुई है, 12 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने गड्ढा भी खुदवाया उस जगह, 2 दिन पानी भी आया, लेकिन फिर वो 10-20 दिन का हालात ऐसे बस से बदतर हो गए कि पानी नहीं मिला। सीवरेज का गंदा पानी आता है, कोई सुनने वाला नहीं है प्रशासन। कभी कोई हाउसिंग बोर्ड को कहीं किसी की अमानत सौंप देता है, कभी किसी को सपोर्ट कर देता है, कोई इसका धनी जोरी नहीं है। कितने दिन हो गए इसको? इसको ऐसे माना जाए तो अभी रिसेंटली तो 12 दिन हुए हैं, लेकिन ये समस्या 12 दिन की नहीं है, ये समस्या 3-4 महीनों से की है, काफ़ी पुरानी समस्या है। लेकिन आज ये पारा बहुत चढ़ चुका है और हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि ये आम पब्लिक है, हाउसिंग बोर्ड के लोग हैं, पानी का बिल आता है, 2.5 गुना ज़्यादा पानी का बिल भरते हैं, उसके बावजूद भी इनको पानी नहीं मिल रहा। रात और दिन मोटर चल रही है, परसों भी मैं 7 बटन मेरे देव घर वहाँ नाक आई, परसों कैंप पर बहू का 5 छोटा महीना नू चली धर के लाई पेट पे, वहाँ 4 दिन तबियत खराब रही बहू की। इस टंकी में पानी है क्या? एमे खूब पानी है और सब की जा रही है, यानी हमारी गली को इंतजाम कर रख ले। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही आरएसएस पर बोले, यह संगठन बात हिंदुत्व की करता है लेकिन कभी कथित विचारधारा पर संघ ने काम नहीं किया। आरएसएस की मेन ड्यूटी जो मैं मानता हूँ, अगर कोई ईमानदारी की बात वो करते हैं, मैं मोहन भागवत साहब से कहना चाहूँगा कि आरएसएस जब से बना है तब से वो कहते हैं सांस्कृतिक संगठन का मतलब इस हिंदुस्तान की जो परंपरा है, महान संस्कृति है, संस्कार है, उनकी रक्षा करना है। आरएसएस कहते हैं हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। क्या वो एससी का हिंदू नहीं है? एसटी का हिंदू नहीं है? दंगे होते हैं तब तो एससी के लोग, एसटी के लोग उनको आगे कर देते हैं। मरते कौन है? वो लोग मर रहे हैं। छुआछूत किसी छुआछूत का होती है? उनके साथ होती है। शादी में घोड़ी में जा रहा है तो कौन उतारता है? उनके साथ अन्याय हो रहा है। अत्याचार उत्पीड़न उनके साथ होता है। कभी कोशिश की आरएस ने? हम सब काम छोड़ करके सत्ता मार लिए, कोई मकसद नहीं रखती है कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने। हमारा संगठन घर घर जाके, गांव गांव जाकर के ये फैलाएगा, हम सब हिंदू की जो हमारी संस्कार है उसकी आप उसके लिए आगे आओ और जो कमियां पहले थी उसको दूर करो और कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। एक भी एजेंडा को पकड़ लेते तो आज मानवता पे कलंक लगा हुआ है कि आप मानव के साथ भेद कर रहे हो, वो खत्म कर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, इसकी कोई भी योजना धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही, सब दिखावा है। आज किसान, व्यापारी और युवा वर्ग सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आप समझ सकते हो ये क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी एक भी वसुंधरा जी की और मोदी जी की स्कीमें हैं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी पर एक भी योजना इनकी धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? आज लोगों में आक्रोश क्यों पैदा हुआ? अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं। भाजपा ने रखा देश में सामूहिक उपवास, देश के 2000 सांसद विधायकों ने रखा उपवास संसद में, कांग्रेस के गतिरोध पर जताया आक्रोश। उन्नाव गैंगरेप में विधायक के खिलाफ हुई FIR, CBI को सौंपी जांच, वहीं जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। अड़सठ वर्षीय वृद्धा चढ़ी पानी की टंकी पर, पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन, NEB क्षेत्र में है पानी की समस्या।
पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर किया कटाक्ष, आरएसएस को बताया दलित विरोधी। वहीं उन्होंने कहा भाजपा को देश माफ नहीं करेगा।